दोस्तों नमस्कार, खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात ही नहीं, मैं आपको कहूंगी कि आज मैं आपके सामने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आई हूं और इसके लिए खास तौर पर मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर यहां पर स्टूडियो में बीटीबी और बीसीएन ग्रुप के चेयरमैन एमडी सिराज शेख सर को आमंत्रित किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारी ये जो स्पेशल खास मुलाकात है वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर है जो कई महीनों से नागपुर शहरवासियों की चैन, नींद और खुशियां जो है वो उड़ाकर ले गया एक आरोपी राजीव कुरेशी को लेकर है। सबसे पहले तो सिराज सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पकड़ने में तुम छोड़ते नहीं हो, कैसे भी ढूंढ डाल के उलाई लेते हो। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मुद्दा है ही इतना गंभीर जिसको लेकर न तो पुलिस प्रशासन, न ही उस एरिया के कोई भी एक बड़ा व्यक्ति, न ही समाज सेवा, ऐसे किसी भी प्रकार के लोग जो है वो इस मुद्दे को लेकर सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और मुझे पता है कि आज आपने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है वो अपनी सूझबूझ और बुद्धि के बलबूते पे किया है। हमने सुना है कि मात्र 13 साल की उम्र में ही आपके पास, जब आपके पास शायद इतना बड़ा नाम नहीं था, तब भी आपने लोगों की समस्याओं सुलझाया है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि लगातार हमारे पास ऐसे कई लोग आ रहे हैं जो दबे जबान में अपना नाम खुलकर नहीं बता रहे लेकिन अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं। तो सर, बस उसी समस्या को के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ताजबाग से फरार आरोपी राजीव कुरेशी, जिस पर करोड़ों रुपए जो है गबन करने का मामला है, कई पैसे जो है वो लोगों के लेकर फरार हो गया है और कई उसके एजेंट अब भी नागपुर में मौजूद हैं जो चोरी छुपे उससे ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे सर ये बताइए कि ताजबाग में आज इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि कहीं बड़े लोग भी शामिल हैं? ये 7 महीने से काम चल रहा है जी, रियल आपको यकीन करना करो। सिर्फ 8 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा। बिल्कुल सर, मेरे को इसके बारे में कोई भनक भी नहीं, कोई जानकारी भी नहीं। मैं आपको पता है ना, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ ना पेपर पढ़ता हूँ, बिल्कुल मेरे पास इतना समय है सब चीजों के लिए। जो आप लोग न्यूज बताते हो ये एडवांस जितनी बात होती है। अभी क्या हुआ, एक हफ्ता 10 दिन हुए हैं, मैं ऑफिस ही बैठा था जी। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी लड़की आई, मेरी भांजी जी, जो की शादी शुदा है, 3 बच्चे की माँ है। तो वो एकदम आई, बोले मामा, बोले 1 लाख रुपए मुझे उधार चाहिए क्योंकि फीस नहीं भरना है। एकदम आई तो एकदम डरी हुई, घबराई हुई, और उसके बैग की फटे ऐसा लग रहा था, बहुत घबराई हुई। रोना चालू कर दी। फिर उसने ये कहानी मुझे बताई कि ताजबाग में ऐसा ऐसा है, मैंने इतने पैसे हाँ लगाई, इतने डबल के रेट में मुझे थोड़ी सी लालच आ गई, पहले मुझे पैसे मिला फिर डबल आ गए। मैंने तो एक मुस्लिम लड़की है, अपने कुरान शरीफ में क्लियर लिखा है कि लालच बहुत गुनाह है। बिल्कुल, तेरे दिमाग में आई कैसी? तो काफी लोगों ने लगाया है, आपके रिश्तेदारों ने लगाया, ताजबाग के कई लोगों ने लगाया, इतना बड़ा कांड है मामा, बोले इस पर किसी का ध्यान नहीं, बोले वहां समाज सेवा से लेके सब मिली भगत है, कोई किसी पे ध्यान देने वाला नहीं है। फिर मैंने उससे पूछताछ किया, तो फिर मेरे को जितनी डेट में नहीं, ये गए थे, मैंने इमरान को अपने कैबिन में बुलाया, और इमरान ये क्या चल रहा था ताजबाग में? मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ नहीं, इमरान ऐसा सा हाँ मैं सुना, बोले मैंने तो सुना नहीं, बहुत बड़ा कांड है, बोला ऐसा सा तो नहीं कहा। तो इमरान ठीक अपने काम में लग गया। फिर मैंने वहां से बैठे बैठे जितने भी ताजबाग के दोस्त भाई पुराने थे सबको फोन डाला, मतलब क्या चल रहा था ताजबाग में, ऐसा ऐसा है, मतलब मुझे भी पैसा लगा रहे, तुम बता रहे नहीं, बोलो भग गया, बोले मैं बताओ अब भी रिकॉर्डिंग मिलते, बोले ऐसी रिकॉर्डिंग आना चालू, 4-5 लोग को बोला उनके सबके मालूम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने मेरे को भेजना चालू जी। मैंने इमरान को इसकी न्यूज बना और न्यूज बना के राजीव के बारे में चला। सर मैं यहाँ आपको एक क्रॉस करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को डबल पैसे देने का झांसा देकर ये आरोपी राजीव कुरेशी जो है वो अब तक फरार है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एजेंट से वो ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से बात भी कर रहा है,
लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपके रिश्तेदार आपके पास आए इसलिए आप तक जानकारी पहुंची, लेकिन ऐसे और भी कई लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर सामने नहीं आ रहे। देखो ताजाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जी जो बाबा दादू धूम की दरगाह शरीफ है। बाबा दादू धूम के आस्थाने में काफी लोग आते हैं जी। एक तो वहाँ की मेरी रिक्वेस्ट है वहाँ की कम्युनिटी से, बिल्कुल जो तुम्हारा 84 एकड़ का पट्टा है जो बाबा दादू धूम का, उसके अंदर मुझे इलीगल एक्टिविटीज जो रात में रात को बैठते हैं, इसको पहले इमीडिएट वहाँ चौकी लगी ये सब लगी उसको आउट करना चाहिए। ये रात में गपशप बात कर रहे, सबसे मसी के बाद आपको ज्यादा फंसी ये जितने भी क्राइम करने वाले पूरे नशीले और गंजे पीए ड्रग्स वाले जी बिल्कुल। अरे पब्लिक ने इन पे ट्रस्ट कैसा करी, भरोसा कैसा करी, ये तो मेरे दिमाग के बाहर है, सोचने की बात है। वहाँ के वो जूते चप्पल आदि बाया लोग, इसमें ज्यादा पैसा लेडीज के लगा जी जी जी, बहुत घरों घर पैसा लगा क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से पहले पैसा कमा के लोगों के घर नहीं आने जाके दिए, तो लोगों का विश्वास जीते। 2 महीने शायद इन्होंने घर नहीं आने जाके दिए तो भरोसा इसका बैठा है। लेकिन मैं पूछता हूँ वहाँ पे कि वहाँ की इतना बड़ा जो कांड चल रहा था, और सभी को पता था ताजबर में वहाँ के नगर सेवक कांगे, वहाँ के समाज सेवी का लोग कांगे, जो इतने बड़े बड़े दावे करते कुछ भी छोटा मोटा काम होता है हम कर देते ये कर देते, इलेक्शन करने में हाथ जोड़ते ही आपको कुछ गलती है तो माफ करना। मेरे हिसाब से जैसा मुझे पता चला, जैसा मैं राज्य की रिकॉर्डिंग में सुन रहा हूँ, तो इसमें काफी लोग इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट बोले तो कहते वहाँ के जो समाज सेविका लोग है वहाँ के, एक तो अपने आपा का सुन ही रहे, आपा के अलावा भी काफी लोग है जो उसमें मिले हुए, जिनमें कई लोगों ने और कुछ मीडिया वाले भी मिले हुए, बिल्कुल वहाँ की जो रिपोर्टर है इन्होंने ऐसा बड़ा बड़ा पैसा खा खा के बैठ गए, वो गरीब को लूटने दो तुम पैसा खा के बैठ। और सर डंके की चोट पे राजी कुरैशी अपनी जिस महिला एजेंट मतलब जिसको वो आपा बोल रहा है उससे बात करते हुए कहता है अरे पुलिस वाले मुझे कॉपरेट कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई होगी इस बात में? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो राजी को पकड़ने की कोशिश, वो मेरे को नहीं पता उतनी बातें जी, वो ठीक है वो तो क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट भी है पुलिस स्टेशन को कॉपरेट नहीं कर पा रखे तो ठीक है वो उनके अंदर की बात होगी। दूसरी तरफ हमने पुलिस वाले लेकिन हमारे मेरे मेरा कहने का मतलब वो है कि ठीक है डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट नहीं है तो बाकी डिपार्टमेंट के और भी लोग है, ऊपर बड़े अधिकारी है, बड़े अधिकारी के साथ मैसेज नहीं गया हमने मेरे हिसाब से ठीक जी, और गया तो तुरंत एक्शन लेते हैं। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पूरे नागपुर में हमारा बीसी न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार ही एक ऐसा चैनल है जिसने इतने बड़े लेवल के स्कैम को सबके सामने लाया है, और हमारे इस स्कैम को सामने लाने के बाद आए दिन इस मामले में नए खुलासे होते आ रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ताजबाग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को समाज सेवी होने का दावा करते हैं और समाज सेवा के आड़ में बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं, मतलब लोगों को एमडी ड्रग्स का जो है, जैसा कि आपको पता है कि राजी कुरैशी के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है उसने एमडी ड्रग्स का भी खुलासा किया है कि बहुत से लोग हैं जो एमडी के नशे के आड़ में ये सब काम करते हैं, तो क्या लगता है आपको इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ताजाबाद में 50% उरस के समय आप जाओ तो जाहिर इतने आ जाते हैं लोग, दोस्ते कर लेते हैं एक से चारों तरफ के लोग आते हैं, तो उस आड़ में क्या गलत काम होते हैं, एमडी नशा कहाँ, पुलिस को झुग्गी झुग्गी में भी काबू सकी क्योंकि सलाह मेरे है गली गली में ये है, लेकिन पुलिस चाहे तो 2 दिन में सब चीज को क्लोज कर सकती है, ऐसा नहीं है, उनके हाथ में इतने राइट्स रहते हैं, अगर ठान लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस को छोड़िए अगर 7 महीने से ये मैटर चालू, मेरा कहने का मतलब वही आ रहा है कि हर 50 गड्ढे को जितनी भी सलाम एरिया है ना, नागपुर के नागपुर में हिंदुस्तान का भी रिकॉर्ड, जितने सलाम एरिया है ना उस सलाम एरिया में हर 50 घर में 100 घर के बीच में एक बॉस होता है जी बिल्कुल, जैसे वहाँ का समाज सेवी का बोलो नगर सेवक बोलो या किसी के घर में कुछ कम ज्यादा हो तो इंटरफेयर करने वाला, वो तो इसमें इन्वॉल्व है 100% इसमें इन्वॉल्व है, जितने भी वहाँ पे नगर सेवक है या वो नगर सेवक बोले जाए वहाँ पे जो समाज सेवक के लोग जितने वो इन्वॉल्व होंगे ये मेरा डाउट है, क्योंकि इतना बड़ा कांड 7 महीने जैसे और उनको ना पता, ठीक है चलो सलाम एरिया के लोगों को नॉलेज नहीं है कि डिपार्टमेंट में कैसी कंप्लेंट दी जाती है, पर इन लोग को तो नॉलेज है, इन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया, ऐसे ऐसे गरीबों का खून चूसे ऐसे ऐसे लोग मेरे से मिलने आ रहे, ऐसे लोगों के फोन आ रहे, क्या सुनेंगे तो ऐसे मतलब क्या बोलना इन चीज के बारे में। सर मेरे को वही पूछना है कि आप भी एक समय में डाउन टू अर्थ रह चुके हैं, बहुत कम उम्र में ही आपने ये सारी चीजें फेस की हैं, शायद यही वजह है कि आज आप जो लोग आपके पास आ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 7 महीनों से ये मैटर जो था वो दिन ब दिन नए खुलासे कर रहा था, और आपने इस मैटर को 7 दिन में ही कैसे सॉल्व किया? 7 दिन में सॉल्व किया तो सभी लोग जान पहचान के हैं, रिकॉर्डिंग के ही बेस पे किया अपन ने, मैंने
उसको इमरान को ऐसा तरीके से चलाने लगा है कि लोग खुद ही चल चल के आना चालू कर दिए। अभी उसके अंदर कई यहाँ के मीडिया वाले के नाम आ रहे हैं, अभी कई वहाँ के नामी ग्रामी लोगों के नाम आ रहे हैं। रात बेरा को जो गांजा हुक्का क्या क्या चलता उस गलिया गलिया में उनके भी नाम आ रहे थे। अपने को अनऑफिशियली बात करना उचित नहीं है, जिसका मेरे को प्रूफ है जिसका ऊपर वही बात है। 6 साल पहले भी एक अन्ना नामक व्यक्ति का कांड हुआ था। मेरी उम्र शायद मतलब 50 साल का होती, मेरी उम्र में 92-93 की बात बता जी सर। कांड पता है तो वहाँ के कई लोगों को भी पता, लोगों ने समझा ही नहीं। लेकिन लालच इतनी बुरी चीज है, एक तो क्या है मुस्लिमों में पढ़ाई लिखाई कम होती है और उनको नॉलेज की कमी होती है। ये क्या करते हैं कि ज्यादा बहुत ज्यादा दुनियादारी शायद देख ही नहीं रहते किसी को। चार उम्र में आपको बता रहा 50 निकान के बीच में एक राजा होता है, वो राजा ने बोला हाँ सही है तू डाल दे पैसा, तो डाल देते। तो ऐसा कांड हुआ है, वो पर्दे के पीछे है, गरीब लोग मर गए। तो ये अगर डिपार्टमेंट अगर चाहे तो इन लोगों को सामने लाएगा जिनके कहने पर पैसे लगे हैं, ये ऐसे लोग काफी निकलेंगे आएंगे। उम्र क्या है इन की खास मुलाकात इस में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज राजीव कुरैशी से के बारे में, जिसने नागपुर शहर में इतने बड़े धोखाधड़ी के स्कैम में शामिल होकर कई लोगों को अपने लपेटे में लिया है और कई लोग उसके खिलाफ बोलने के लिए आज खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारे सिराज सर का भी है, क्योंकि वो लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप डरिए मत, आपकी पैसा जो है आपकी मेहनत का है, आपके खून पसीने का है, अगर आपने अपना पैसा दिया है और आज आप पर ऐसी कोई बुरी परिस्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस और बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, इसलिए डरे नहीं और खुलकर सामने आए। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि हम एक एक्सक्लूसिव मैटर के लिए मैंने आपको यहाँ स्टूडियो में बुलाया था राजीव कुरैशी के लिए, तो मुझे याद है कि 92-93 में भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसे आपने अपने माध्यम से सॉल्व किया था। तो तब और आज भी एक ऐसी ही सिचुएशन लाके हमारे सामने खड़ी हो गई है, तो क्या अंतर है दोनों में और तब का मैटर क्या था? आपको इतनी पुरानी बात बताया किसे 93 की? सर वो बहुत चली थी उस समय, आप वो तो ऑफिशियली पेपर गवाह है जी, बिल्कुल उस समय में 9 बार का लोकपाल पेपर बहुत चलते थे जी जी। अब 92, 93, 94, 95, 96 6 साल के भी पेपर उठा के देख लेंगे तो उसमें आपको हर महीने में एक दो खबर मिली। सर पर एक बार फिर आज की सिचुएशन उससे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड मैटर नहीं था। उस समय आप कैसा है कि हमारा लॉटरी का शॉप था, मुझे लॉटरी की दुकानों में इतना रश होता था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी उस समय, मैं 18-19 साल का हूँ, मेरे दुकान पर लॉटरी की दुकान काफी लाइन लगती थी। उस जमाने में गुंडे बदमाशों का बहुत चलन था यहाँ पे। अब हमारा मेरा मेडिकल चौक पे वाइन शॉप है, पेट्रोल पंप के सामने डोली का वाइन शॉप, उसके सामने लॉटरी स्टॉल थी, वहां लगती थी 50-100 लोगों की लाइन भीड़। हम लोग दारू खरीदने पीछे आते थे तो अच्छे लोग का आना नहीं बुरे लोग आना है, तो वहाँ पे गुंडे बदमाशी। फिर बाजू में चंदन नगर, राम बाग, गोट खाना, सलाम मिले इतनी ज्यादा थे। वहाँ मेडिकल चौक इतना फेमस था ग्रामों में, दत्तगुड़ की गुटला, असोमारी घोटाला, ये सब बहुत। तो हमारे पास लोग हफ्ता वसूली, उस समय हफ्ता वसूली का काम ज्यादा चल रहा था क्योंकि उस समय जमीनों का काम नहीं था। आजकल के तो माफिया लोग सब जमीन में चले गए, उस समय जमीनों का काम नहीं था। तो हफ्ता वसूली, चाकू लेके आएंगे, 5,000 की वसूली दो, 2,000 की वसूली दो, हफ्ता दो, 100 दो, बहुत चलता था। मैंने कहा सर इसके बोले भी हिस्ट्री बताया और बताऊंगा जी। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे मेडिकल टुकड़ी जो सोमाजी पाटिल में करीब लाइन से 9-10 दुकानें थी, वहां पे कुछ क्रिमिनल के साथ में
एक पुलिस वाला भी आ गया तो उसका नाम याद है, तो प्रेम करके था अच्छा बुरा सा, वो बहुत तीखे थे वो लोग, इतना उन्होंने पूरी दुकान लूट लाट फेंक फाक की बात में पता हुआ। तो उस समय क्या वो कुछ वहां पे पुलिस में ऐसा हुआ कि यहाँ झगड़ा हो करके, तो सकते पुलिस के लोग काफी आ गए थे, और आने के बाद में फिर वो सबको लेके गए, हमको भी लेके थाने में, वो भी लेके क्या हुआ क्या हुआ, जब हमने सिपाही का नाम बताया तो सिपाही तक यह तो खड़े नहीं होना चाहता, खुद ही गिर जा रहा था। पुलिस वाले बोले पुलिस की बदनामी भी हुई, तो हमने चुप को क्लोज किए थे, हकीकत है ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, कोई लोकमत का पत्रकार था हमारे दुकान के सामने खड़ा था, उसने वो कुछ छाप दे रखी कैसे ऐसी घटना है घटी करके। तो दूसरे ही दिन वो मेरे को याद है पार्सनी करके एसीपी थे और डीसीपी श्रीकांत सावरकर थे, इनका हमारे सुबह 8:30 बजे गाड़ी घर पे आ गई कि आपको थाने में बुला है। मैं सोया था, मैंने क्या हुआ, मैं कल तो सब हो गया, कल आपको वापस भेज दिया रवि का, अरे जग्गू करके मेरे दोस्त था। तो जो सावरकर साहब थे ना वो अमिताभ बच्चन के फैन थे, बहुत मजेदार स्टोरी है। उन्होंने मेरे को ऐसा मोटिवेशन किए, मेरे उनके कैबिन में 9 बजे बैठा तो शाम के 4 बजे तक उनकी कैबिन बना, दोपहर का खाना भी उनके साथ खाया। मेरे को बोले तेरा डब्बा आता है, हाला तेरा डब्बा, बोले चल मेरा भी आया, दोनों मिलकर खाएंगे, उनकी मेरे को याद है अभी भी। उन्होंने बहुत मोटिव, उस टाइम कंप्लेंट डालने वाले नहीं मिलते, क्रिमिनल इतने ज्यादा थे, खुल के सामने नहीं आता था, कोई नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको साहब को बोला, साहब ना आप बोलते कंप्लेंट डालो, कंप्लेंट डालने झगड़ा के सामने नहीं आता था, कोई नहीं आता था जी। तो फिर मैंने उनको साहब को बोला, साहब ना आप बोलते कंप्लेंट डालो, कंप्लेंट डालने झगड़ा होता, आपको आने को आधा घंटा लगता है डिपार्टमेंट को, जब तक हमारा मर्डर हो जाएगा, मर जाएंगे क्या, हम लोग कैसे करेंगे। सर आपको डर नहीं लगा था उस वक्त इतनी कम उम्र में? तो ठीक है, वो तो अधिकारी बुलाते, फिर उन्होंने मेरे को इतना डेरिंग दिया कि देख तेरी मौत जहाँ होंगी वही होने वाला, एक घंटे बदमाश थी तो अल्लाह को मानता, माना पैदा करने वाला कौन, अल्लाह, मौत देने वाला कौन, अल्लाह, इनसे क्यों डरता तू, तेरी मौत एक्सीडेंट में होना है तो होगी, तेरे ठोकर खा के गिरेगा तो होगी, ये होगा, तो तरीके की बात है कन्विंस की। क्या बात है। और फिर मैंने उनको काफी पूरा दक्षिण नागपुर के जितने भी साम्राज्य के, तो एक एक के घर एड्रेस क्या कर, तो कंप्लेंट डाल दो तैयार कर दूंगा, मैं कंप्लेंट जरूर डालता हूँ, ठीक है, मेरा वातावरण तेरे को सपोर्ट करो, मैं साहब आपके घंटे बजाओ रिंग तो आपके फोन ही नहीं लगते थानों के, उस समय मोबाइल थे नहीं। क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को घर का नंबर दिए थे और अपने पर्सनल ऑफिस का नंबर दे दिए, और उन्होंने दिमाग भी दिए थे कि तेरे नंबर है ना, बोला कि तेरे दुकान पे लफड़ा हो रहा ना, तो आजू बाजू वाले को तो वो रिंग घुमाएंगे। उस समय एसटीडी बोलते थे, एसटीडी बुक में लाइन फाइन ये नहीं होते थे, तो हमारा फिर मेडिकल चौक पे हमारा रूपा मिला फोन कर गया, बहुत अच्छी उनको मालूम था हम लोग डॉक्टर से लॉटरी का धंधा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनको मैंने उनका सजेशन दिया कि अनिल जी नंबर है ऐसा सब, तो कभी कुछ हम हमला होता था या दिन तारीख होती तो घंटे में 5 मिनट पूरी जाती थी, तो सावरकर साहब ने इतना सपोर्ट किया, तो उस समय मैंने काफी कंप्लेंट डाल के, यानी मेरे हिसाब से 3 साल में यानी अच्छी खासी बदमाशी खत्म हो गई। तो फिर मेरे दोस्तों को, मेरे जितने भी थे, जिस जिसके और भी था मेडिकल चौक के और भी लोगों को, सबने एक डेरिंग भी, हम लोगों की मीटिंग होना चालू हुई, फिर हमने कंप्लेंट डालना ये डालना चाहिए, तो बदमाशी खत्म हुई। तो जिसकी मैं अभी टाइपा कॉलेज से वही आह्वान करता हूँ, मैं सावरकर साहब ने तो मुझे डेरिंग दिए थे, आज जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाने वाले वही भी मेरे को, क्या ऐसा कुछ नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पे टाइपा कॉलेज से भी आह्वान करता हूँ, आप ये जितने भी आपने पैसा लगाए पूरे नशीले लोग हैं, पूरे चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, ड्रग्स, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, बिल्कुल कहीं ना कहीं इन्होंने वहां के समाज के जो वफादार लोग है उनके कहने पे किए, बिल्कुल क्योंकि चर्ची गाने भी इतना भरोसा नहीं करता। ठीक है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर अभी आप कंप्लेंट नहीं डालेंगे, आप बोले मेरा पैसा मांगो राजीव की वापस आके, मैं आपको गारंटी राजीव का पैसा वापस आके नहीं दूंगा, क्योंकि फ्रॉड है, ये फ्रॉड में नहीं, आपको इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही साथ देगा, आपको कंप्लेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जिस तरह की भी आपकी कैश की रिसीप्ट दिखाना है, जिस तरह की भी दिखाना है, आपको डालना ही पड़ेगा। यही अगर कल को उसकी रिकवरी होती है तो हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में डाल सकते हैं कि हमारा पैसा इतना लगा था। आप कंप्लेंट नहीं डालेंगे, आपका पैसा डूब गया या भूल गया, बिना कंप्लेंट के कुछ नहीं होने वाला, आपको कंप्लेंट डालना पड़ेगा और आपको डिपार्टमेंट साथ देगा। अगर आपको थाने वाले साथ नहीं दे रहे तो उसके ऊपर में एसीपी होता है, एसीपी के पास जाओ, इसलिए तो डीसीपी के पास जाओ, नहीं तो सीपी साहब तो अपने हैं यहाँ पे, सीपी साहब के रहते हुए जितना फायदा उठाना उठा लो, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है कि वो फटाफट डिसीजन लेता है कोई भी चीज के। तो अगर आज उनको 2.5 साल हो गया, कितने दिन रहेंगे मुझे भी नहीं पता चीज के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से कंप्लेंट जाना चाहिए, विदाउट कंप्लेंट आप क्लेम कर रहे हो तो आप गलत हो। दोस्तों ये सर ने एक बहुत बड़ा बात हमें अपनी जिंदगी में बताई है कि इंसान की जो मौत है वो कभी भी कैसी भी हालत में आ सकती है, डर के
जी ऐसे रह के हम नहीं कर सकते, आपकी मेहनत का पैसा है, आप खुलकर सामने आइए। जब तक आप खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा। राजी कुरैशी ने यदि आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इन सारे तरीके पूछना चाहूंगी कि आखिर उस बंदे में इतनी डेयरिंग कैसी। मैं आपको बताता हूँ, उसको कानून की जानकारी बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस टाइप से कल दो चार लोग मैंने बता रहे, जिस टाइप से मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा, जिस टाइप से रिकॉर्डिंग लोगों को उल्लू बना रहा, क्योंकि शायद चार पांच साल पहले जो जमता रहा सीरियल आई ना, ऐसा ही हैकर है राजीव कुरैशी, बहुत बड़ा हैकर है ऐसा सुनने में आया मुझे किसी सूत्रों के द्वारा। उसने बैंकों का भी कांड इसके पहले किया है। अच्छा। उस समय उसका साथ कुछ नहीं हुआ, उसको डेयरिंग आ गई कि कोई भी इंसान कैश की रिपोर्ट डालने जाएगा तो डिपार्टमेंट कैश की रिपोर्ट लेना नहीं है, और ले भी लिया पुलिस तो पकड़ भी ली तो मेरा कोर्ट में कुछ होना नहीं है। ये उसको अच्छे से पता कि वो सॉफ्टवेयर का कीड़ा है, बड़ा इंजीनियर है, ऐसा सुनने में आया है, वो दिमाग का तेज है। सर आप इतने सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि उस बंदे में इतनी डेयरिंग कहां से आई कि वो इतने बड़े बड़े स्कैम कर रहा है और फुल मतलब कॉन्फिडेंट के साथ। गुनेगार है, गुनेगार का जो सोच है ना वो गुना करने में रहता है जी, लेकिन हमारा काम उस चीज को रोकना है जी। जो मुस्लिम जो लोग है, मैंने आपको इससे पहले ही बताई, बहुत ज्यादा जाते नहीं, उनको जनरल नॉलेज की कमी रहती है, समाज में बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं है। देखो घूमने से ज्यादा नॉलेज आता है, तुम जगह जगह शहरों में जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज के टीचर के साथ बात करेंगे तो आपको समझ में आता है। अभी आपा जैसे लोग है, ये आपा है, आपा ने एक पहलू पहलवान का नाम था, तो उसमें रिकॉर्डिंग में जिक्र किया गया एक पहलू पहलवान का, वो पहलू पहलवान का 6 लाख पहले दे दो, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहलू पहलवान पावरफुल है, पावरफुल है, उससे उसको डर है, गरीब मारो। छोटे लोग है ना, ये समाज की जो अपने बताया, हर 50 घर के बीच में एक राजा या नामी गिरामी व्यक्ति होता है जिसको उसको लोग मानते हैं, जो उनके सुख में दुख कहना कि उनके कहने में पैसा लगा है, इसलिए लोग बेवकूफ बन गए और राजीव ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि राजीव ने कई गाड़िया दिया। मैं मतलब डिपार्टमेंट को सबसे पहले कुछ मत करो, जितने बाद में आईफोन में गाड़िया पहले करूँ की बिल मांगो, गवर्नमेंट में क्लियर होता गाड़ी कैसे लिए, कैसा पैसा, जिसके भी नाम आ रहे हैं, जितने भी नाम आ रहे, जितने भी ताजबाग में पिछले 6 महीने में गाड़ी लिए होंगे, सारी गाड़ियों की डिटेल होगा। आप तो खरीदा कहा से, आप कम से कम तो 6-7 गाड़ी के नाम, मतलब 10-15 गाड़िया लोगों को मिली होगी, एक डिटेल डिपार्टमेंट खींचेंगे, आज निकल खींचेंगे उस चीज को। और वो सब बोलिए बोलिए। हाल ही में 24 घंटे पहले हमें पता चला कि एक और राइट हैंड जो है राजी कुरैशी का, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हम नाम नहीं ओपन करना चाहेंगे यहाँ दर्शकों के सामने, लेकिन एक बात ये भी क्लियर है कि इस ऑडियो में वो जो बिंदास तरीके से बोल रहा है कि यार वो प्यारो पहलवान के पहले पैसे मुझे देना है, दिलीप का मैटर सॉल्व करना है, फहीम का पैसा सॉल्व करना है, तो ये जो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो बड़े लेवल के लोग हैं, लेकिन इसमें जो कोई गरीब जनता मर रही है उसको 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 समझ में आ गया है कि हमको राजीव कुरैशी झूठ बोल रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है। अब जिसके समझ में आएगा, बाकी लोग तो सभी गंजटी है, इनको क्या समझ है कानून कायदे रूल रेगुलेशन को समझने का नाम ही नहीं, ये मजाक में ले रहे सब चीजों के बारे में, तो कैसा अभी ये इसके अंदर में ये ऐसे ऐसे लोगों को पैसा मत कि गुंडे, अभी तो अभी केस बताएंगे, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, इसको गुंडों का बदमाशों का नामी गिरामी का उल्टे सीधे धंधे वालों का बहुत पता है, तो उसके अंदर में क्या होगा कि ये लोग उसके डर के मारे ये लोग सब पुलिस को सरेंडर होंगे 100% होंगे, इनको ऑप्शन अगर नहीं होंगे ना तो ये घर में नहीं रह पाएंगे, ऐसी इस टाइप की घटना जो चल रही है, इधर सब घबरा गए क्योंकि राजीव कुरैशी की लिमिट अब खत्म हो गई, 2 महीने से उनको घुमा रहा है। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि राजीव कुरैशी के जितने भी ऑडियो क्लिप सामने आए हैं और जितने भी वीडियो क्लिप सामने आए हैं उसमें एक चीज तो साफ जाहिर हो रही है कि वो पैसे देने की बात जो है वो बड़े बड़े लेवल के लोगों के लिए कर रहे हैं, और जितने भी छोटे लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इतना पैसा जो है राजीव को डबल पैसा कमाने के चक्कर में दिया है, वो सब एक मीडिया होने के नाते हमारे पास आ रहे हैं, और सिर्फ आप ही लोग हैं जिन तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है बेचारे कम पढ़े लिखे गरीब है, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं हो, राजीव पर ट्रस्ट नहीं किया इन्होंने, अपने मोहल्ले के नामी गिरामी लोगों पर ट्रस्ट किया, उसके थ्रू राजीव को दिया, राजीव को डायरेक्ट किसी ने नहीं दिया, किसी बालाघाट का रहवासी है, उस पर कैसा लोग भरोसा करे, हर 50-100 घर के बीच में नामी गिरामी लोग रहते हैं उनके कहने पे दिए और वो पैसे गए, मतलब अभी नए केस तो हमारे सामने है कि अजमेर के खादिमों ने भी पैसा लगाया, क्या बात है, और कुछ खादिमों ने बैंकों के थ्रू 2-3 लाख रुपए दिए, मोहनपुर वाले के थ्रू यहाँ के लगे, वो तो अभी कुछ मेरे पास रिकॉर्ड आया नहीं इसलिए मैं बोल नहीं रहा, पर मुझे खबर आई है सब चीजों के बारे में,
अगर बैंकों की रिसिप्ट भी आना चलोगे, कल कल इमरान को मैंने 2-3 रिसिप्ट दिया हो और रिसिप्ट आना चलो, ये कांड 40-50 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ के ऊपर का है। क्या बात, ये बहुत बड़ा निकलेगा, इसको आप समझ नहीं रहे, बहुत बड़ा कांड निकलेगा और इसके अंदर अच्छे अच्छे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको सब चीज सामने आएंगे। हम चाहते हैं कि खुलकर आप बिना डरे सामने आए, आपका पैसा नहीं, नहीं, मैं कहता है ताजबर के कई लोग मेरे पास में आते हैं, जब रमजान महीना चालू है, ईद का महीना चालू है, वो लोग गरीब लोगों की ऐसे समय तकलीफ में आ गए, लोगों के घरों में शादी आए, ये है, कई लोग मदद को मांगने आते हैं, वो देखता है इनके मन डबल करने की लालच को आएगा, इनको पैसा दिया किसने और कैसा दिया, इनको दिमाग देने वाला कौन है, अकल देने वाला कौन है, बस मैं तो इतनी बातों में मुझे नहीं जाना है, वो तो डिपार्टमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है वो सब चीजें करना। मेरे एक ही रिक्वेस्ट है ताजबाग की जो ट्रस्टी है वहां से और बाकी लोगों से कि अपने 84 एकड़ के अंदर में जो रात को 2-2, 3-3 बजे रात को गांजा फूकते और ड्रग्स से सिगरेट ही पीते ये पीते, वहाँ आपके पास चौकी भी लगी, ये चीज को बंद कराया गया, ये मेरी पर्सनल वहाँ के चेयरमैन से अपेक्षा है जी। उम्मीद करते हैं कि आपने राजे कुरैशी पर जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको आपके सामने लाई और खास तौर पर मैंने इसी विषय को चर्चा करने के लिए हमने सिराज सर को यहां लाया है। मैडम आपने सिर्फ 25% की क्लिपिंग में चला है, 75% अभी भी सेविंग है, बिल्कुल ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है कि अब तोड़ मोड़ के बहुत चीज कुछ गालियां गुप्ता उल्टी सीधी बातें वो सब नहीं चला सकती मुझे पे। काफी आप पुलिस नहीं था, आपको समझ सारी चीजें हैं जो हम जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो है हमें जनता कंप्लेंट डाले सारा प्रॉब्लम, बिल्कुल जनता कंप्लेंट डाले इनका पैसा नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप खुलकर सामने आए, आपका पैसा है आपको मिलना ही चाहिए और राजे कुरैशी के खिलाफ आप खुद सामने आइए और अब हुआ तो हुआ, इसके बाद इस तरह की कोई भी बेवकूफी ना करे। दुनिया में कोई स्कीम नहीं है डबल होने की, कोई स्कीम नहीं, जो भी आपको लालू देता है 50% भी डबल होंगे, 25 सब बेकार है, सब बेकार है, किसी भी झांसे में ना आए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। इससे जुड़ी राजे कुरैशी से जुड़ी और भी कोई यदि वीडियो क्लिप हमारे सामने आती है तो जरूरन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज खास मुलाकात में, एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ सिराज सर आपका आने के लिए और बहुत सारी चीजें जो है आज आपने हमारे दर्शकों की आंखें खोल दी है, तो देखते रहिए एनबीसी न्यूज, नमस्कार, थैंक यू।